हेलो फ्रेंड, ए बी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वह CBSE से संबंधित है। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी CBSE का है या पड़ोसी में है या कोई रिलेटिव में है या नहीं भी है तो ये जानकारी अपडेट करने के लिए सबको ज़रूरी है। और यह जानकारी यह है कि अंग्रेजी व हिंदी में कम अंक आपको मिलेंगे तो थर्ड लैंग्वेज में जो आपका ज़्यादा अंक है वो जो है मार्कशीट में अब जो है जुड़ जाएगा। इससे विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है और इससे जो है लोकल लैंग्वेज का बढ़ावा मिलेगा। पूरी जानकारी आप सुन लीजिए कि CBSE 10वीं के उन परीक्षार्थियों को इस बार फायदा होगा जिन्होंने ऑप्शन पेपर के रूप में थर्ड लैंग्वेज लिया है। इन्हें बोर्ड में अंग्रेजी और हिंदी में से किसी में कम अंक आता है और थर्ड लैंग्वेज में इन दोनों से ज़्यादा अंक है तो थर्ड लैंग्वेज के अंक मुख्य 5 विषय में जोड़े जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदी या अंग्रेजी में किसी में कम नंबर आता है और थर्ड में ज़्यादा आता है तो थर्ड लैंग्वेज का मार्क्स जो है मुख्य 5 में जो है जोड़ा जाएगा। साथ ही पिछले साल से CBSE ने थर्ड लैंग्वेज को ऑप्शन कर दिया है। थर्ड लैंग्वेज के रूप में छात्र कोई भी भाषा ले सकते हैं। ऐसे में थर्ड लैंग्वेज लेने वाले छात्र को रिजल्ट में फायदा होगा। CBSE के माने तो थर्ड लैंग्वेज हटाने से छात्र और अभिभावकों में नाराजगी थी। ऐसे में यह सिस्टम शुरू किया गया है। इससे क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। CBSE 2019 में 10वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर में अलग अलग उत्तीर्ण करने की व्यवस्था करने जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर को जोड़कर पास करने का सिस्टम केवल एक साल 2018 में ही लिया गया था। तो इस प्रकार इस जानकारी से स्पष्ट है कि इस जानकारी से जो है यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपका किसी प्रथम दो भाषा हिंदी अंग्रेजी में नंबर कम आता है तो वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का अगर आप ऑप्शन भर चुके हैं और उसमें ज़्यादा नंबर लाते हैं तो इसमें से एक हटकर वहीं जो है जुड़ जाएगा और इससे जो है लोकल भाषा का जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरह का आप जानकारी अपडेट करना चाह रहे हैं तो हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ए बी जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए। इन्हीं सबके साथ जो है हम उन बातों को बंद करते हैं। जय हिंद।